1765 बिक्रमी 1708 ईस्वी वाले दिन अज वाले दिन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज समेत घोड़े दे सचखंड चले गए सन। परमात्मा की बनाई हुई उस मर्यादा के अनुसार दुनिया के उस निजम पूरा करने के लिए शरीर को अलोप किया महाराज जी ने ते समेत घोड़े दे सचखंड गए सन। ये इतिहास आप जी ने बड़ी बारी पढ़िया सुनिया है। समझण वाला नुकता यह है भी गुरु हमेशा सचखंड वासी ही है। वो एक जगह हुंदिया भी कण कण दे विच मौजूद है। उहदे लई कोई विशेष थां मुनकर नहीं है भी उहने कित्थे रहना है। भावें उहदा निज घर सचखंड है। गुरु एक जगह हुंदिया परमेसर एक जगह हुंदिया भी अनेक है फिर एक है। जिहनूं कलगीधर पातशाह मारे ने भी आख्या है एक है रूप अनूप सरूपा। वो एक जगह हुंदिया भी बहुत ही जगह ते है। इस करके कलगीधर पातशाह महाराज ने एक नेम पूरा किया है शरीर को दुनिया तो ओले करन दा जिवें नौ पातशाहियां ने किया है। जिथे हजूर साहब महाराज जी ने होर भी बचन कई किए सन उत्थे विशेष बचन ये आख्या सी खालसा जी अज तो बाद साड़ी आत्मा ग्रंथ च ते शरीर पंथ विच है। समूह खालसा पंथ साडा शरीर है ते गुरु की बाणी साडा हिरदा आत्मा है। इतना गल्लां कर लैणियां दर्शन करने होन ते खालसियां दे दर्शन कर लेने गुरु के सिखां दे दर्शन कर लेने साडे दर्शन हो जा करनगे। ते ए गल सिख मन च ना सोचे भी गुरु सचखंड चला गया है ते गल खत्म हो गई। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ज्योति जोत समाउण तो बाद किते नहीं गए। सचखंड उहनां दा निज घर है। उह हमेशा सचखंड वासी ने ते भावना ए आंदी है इतिहास ए आंदा है गुरबाणी दे बचन ये ने भी गुरु सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। वो गुरु हमेशा मेरे नाल है। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत। गुरु साहब हमेशा खालसे दे विच समा गए ने खालसे पंथ की अगवाई करते पे ने। सदियां बीत गई ने भावें नवे तो नवा दुश्मन चढ़ के आउंदा है ते खालसे पंथ दे विचों भावें कई लुटेरे ठग चोर भी अपने आप नूं पंथ दे ठेकेदार खवाउण वाले भी पंथ नूं लुट्टण वास्ते तुरदे रहे ने ते तुर रहे ने। पर दसवें पातशाह अज भी पंथ की अगवाई खुद कर रहे ने। भावें किन्ने मर्जी हमले हो गए ने भावें लुट्टां कसटां हो रही ने ठगां चोरां दा समां चल रहा है पर दसवें पातशाह आप अगवाई कर रहे ने क्योंकि जिन्हें साजिया है उन्हूं फिक्र है। तो भावना यह आती है भी दसवें पातशाह कितें गए नहीं ये सिख दे कोल ही हन। सिख का अमृत वेला वेंदे ने सिख का नितनेम वेखते ने भी सिख अमृत वेले नितनेम करता है कि नहीं करता। जदों सिख अपनी खुशी ते गमी दे प्रोग्राम करता है उदों भी कलगीधर पातशाह कोल हुंदे ने भी ये गुरमतिया सिख है कि मनमतिया सिख है। ये खालसे की रहत मर्यादा के अनुसार काम कर रहा कि जां विपरन की रीत नूं पहल दे रहा है। उदों भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल ने जदों सिख एक दूजे नाल ईरखा करता है धड़ेबाजियां दे विच एक दूजे दीआं इज्जतां नूं तार तार करता है। सिख नूं उदों भी समझना चाहीदा है भी कलगियां वाला कितें गया नहीं उह साडे कोल ही सानूं वेखदा है। सिख नूं इन्ना विश्वास ते भाव होवे भी सवेरे उठण तों लै के रात सौण तक उह दसवां पातशाह मैनूं वेख रहा है मेरे मूँह दे विचों निकले हुए बोलां नूं सुण रहा है मेरे मन दियां निकलियां हुई चितवनियां चलाकियां नूं बेईमानियां नूं उह वेख रहा है। मेरी सोचनी नूं पहलां ही पकड़ विच लिआउण वाला उह अंतरजामी मैनूं वेख रहा है। मैं बेनती करां ज्योति जोत दिवस नूं कदे भी इह ना समझणा भी दसवें पातशाह किते सचखंड चले गए ने ते असीं जो मर्जी करिए। उह हमेशा अपने खालसे दे कोल ने जिथे खालसे दे अंग संग हो के रख्या करते ने सिखां दी रख्या करते ने। रोज़ हजारां फुरने मन विच उठते ने ककारां दे रूप दे विच बख्शे हुए ककारां दे राहीं आप अगे हो के अगवाई करते ने। किते शब्द दे राहीं मन नूं होड़दे ने किते रहत मर्यादा दे नाल अंग संग हो के सिख नूं डोलण तों बचा लैंदे ने। किते बोलां दे राहीं किसे नूं तरवास दे जांदे ने किते कोल खड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज किसे सिंघ दे रूप दे विच आण के मदद कर जांदा है ते सानूं समझ नहीं आउंदी। वो इस दुनिया के विच ही है वो इन्हां तुहाडे खालसे पंथ दे विच है।
धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्योति जोत भावें समाए ने पर वो तुहाडे अंदर ही हन, तुहाडे कोल ही हन, तुहाडे कोल हो सकता कई बारी लंघ गए होण ते तुसीं पछाण ना सको। इस भावना ना तकिया करो कि दसवें पातशाह ने आख्या सी भी मेरी आत्मा ग्रंथ च ते शरीर पंथ विच है। जिद्दण इस भावना ना देखना शुरू कर दोगे तुहानूं कलगियां वाला बाणे बाणी दे विचों नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जे तुहानूं सिंघां दे विचों ना नज़र आया, जे तुहानूं गुरु के सिखां कोल नज़र ना आया तो तुहानूं किते भी नज़र नहीं आना। अज वाले दिन दसवें पातशाह महाराज पूरा सरबंस वार के खालसे नूं प्रगट करके अपना सारा सरूप दे करके बख्शिशां दे करके आपे गुरु चेला बन करके तन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरता गद्दी दे करके महान पर उपकार करके सचखंड जाण दा बहाना बना के पंथ दे विच ही समा गए हन ते अगवाई कर रहे हन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।